Hi guys, my name is Perigos Merlin. आज हम लोग खेल रहे हैं एक नया गेम जिसका नाम है Horizon Forbidden West. एंड ये हम लोग खेल रहे हैं आज Nvidia GeForce की ताकत के साथ. So ladies and gentlemen, यार गेम में आगे बढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं गेम की कहानी के बारे में. So इस गेम में बेसिकली होता ही है कि भाई इस गेम की दुनिया में पूरा कब्जा कर लिया है मशीन्स ने. लाइक बड़ी खतरनाक जानवर जैसी दिखने वाली मशीन्स होती हैं. So उन्हीं मशीन्स ने भाई पूरा धरती पे कब्जा कर लिया है एंड हमारे इंसानों की वाट लगा दी है. So बस यार इन मशीन का हो चुका है बहुत. एंड सो बस अब इंसान यार इस गेम में चुप नहीं बैठना चाहते और वाट लगाना चाहते हैं इन मशीन्स की. So बस यार हम लोग बनते हैं इस गेम में अलॉय, एक लड़की जो कि इस गेम की हीरोइन है. हम लोग का भाई मिशन है कि हम लोग को अलॉय बनके मशीनों की वाट लगानी है एंड इंसानों को बचा के आगे ले जाना है. यस सो गाइस चलो यार चलते हैं मशीनों की वाट लगाना स्टार्ट करते हैं. एंड अकेले नहीं करेंगे हम लोग अपने चाचा जी के साथ करते हैं सब. ये हमारे चाचा जी है. सो यार चाचा जी लेट्स गो, आओ मशीनों की वाट लगाते हैं, मशीनों की बैंड बजा देंगे. कहां है मशीन, कहां पे है मशीन, बताओ कहां पे है. एंड ओके लो भाई मशीन का नाम लिया. मशीन हाजिर. भाई पागल हो गई है मशीन, ये देखो कैसी खतरनाक सी लग रही है. ये थोड़ा पता नहीं बड़े चूहे जैसी नहीं लग रही है, पता नहीं यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है चूहे जैसी लग रही है या किसी और की जैसी लग रही है, जैसी भी लग रही है इसकी वाट लगाने का टाइम आ रहा है. सबसे पहले हम लोग को यार फोकस मोड ऑन करना पड़ेगा जिसके लिए हम लोग को बस वी दबाना है एंड फिर ऐसे करके हम लोग मशीन को स्कैन कर लेंगे. एंड ये देखो भाई मशीन की पूरी इन्फॉर्मेशन अपन को पता चल चुकी है. ये जो येलो कलर के पॉइंट्स नहीं आ रहे मशीन में, ये उसके वीक पॉइंट्स हैं. अगर हम लोग पता है अपना एरो इनमें मारेंगे ना येलो पॉइंट्स में तो इस मशीन की वाट लग जाएगी. एंड हम लोग इस मशीन से जीत सकते हैं, आगे से काम करेगा. सो ठीक है, सो 3 2 1 बॉयस चलो यार धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड येलो पॉइंट में इस मशीन को मारते हैं. वो सीधी खड़ी रहना मशीन, तेरी ऐसी तैसी मार दिया. ओए मशीन तेरी बैंड बजा दूंगा तेरी. फिर से मारा मैंने, बहुत बढ़िया. ओके बहुत सही मारा. ओके अबे ये क्या मार रही, ओ माय गॉड ये क्या था, अबे पत्थर मार रहा है मशीन, तेरी ऐसी की तैसी पत्थर मारता है मशीन. ये ले चचा मार डालो साले मशीन को, इसके ऐसी की तैसी, इसको लगता क्या है ये हम लोग को मारेगा और हम लोग मर जाएंगे. नहीं हम लोग ने इसे मार दिया. लेट्स गो चलो इसे सर्च करते हैं, इसमें मेटल श्रेड्स मिल गए, चलो ठीक है ले लेते हैं सब. एंड ओ माय गॉड भाई एक और आ गया. अबे यार तुम्हें आना जरूरी था क्या, तुम काहे को आ गए. ओए 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 दूर रहे मशीन, तेरी ऐसी तैसी. ये ले मार दिया लिटरली भाई मार दिया. कितनी खतरनाक यार इस गेम की मशीन्स, वेरी डिफिकल्ट गेम. कोई ना एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार मैं वाट लगा दूंगा मशीन्स की. ऑलराइट मशीन्स, पिछली बार तुम लोग ने मेरे को मार दिया था लेकिन इस बार मैं तुम लोग को मारूंगा, मैं तुम लोग को मारूंगा. ये ले फिर से ले एंड ये ले, बढ़िया मार दिया एक गई. नाइस एक को मार दिया दोस्तों, एक और अब आएगी मशीन, वो देखो आ गई. अब फिर से मारते हैं बीचों बीच में, इस बार मारूंगा मैं एरो. नाइस एक और, बस एक और फिर से पत्थर मारा था इसने. कोई ना इस बार तेरी वाट लगा दूंगा. ओके नाइस आई थिंक मार दिया मैंने इसको, पक्का मर गई ना मशीन, फिर से तो नहीं उड़ेगा तू, तेरी ऐसी तैसी एक बार किल कंफर्म करने दो. पता चले फिर से उठ के मेरे को पेलने आ जाए इसकी ऐसी की तैसी. एंड भाई नहीं उठ रही मशीन, आई थिंक मरी गई है. चलो सही है, वेरी गुड मार दिया इसे. बस ऐसे ही तेरे दोस्तों को भी मैं मार दूंगा, उसके बाद हमारी पृथ्वी हो जाएगी मशीन फ्री. लेट्स गो फिर हमारे इंसानों का रहेगा कब जा. ओ यस आइडिया, आप चलो ऊपर चलते हैं. ओ माय गॉड यार एक सेकंड भाई, हम लोग जरा यहाँ ऊपर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं एंड नीचे देख के भाई खूबसूरती निहारते हैं. क्या गेम है यार, गेम के ग्राफिक्स कितने शानदार हैं. लाइक सीरियसली ये पूरा जो गेम है ना Horizon Forbidden West, इस गेम में इतने शानदार सीनरीज हैं, लाइक इतने अच्छे ग्राफिक्स हैं जिसको याद नहीं. लाइक जंगल से लेकर डेजर्ट तक भाई इसमें सब कुछ ऐसा गेम चलता है जैसे एक ड्रीम चल रहा हो, इतना अच्छा है. एंड ये सब पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ Nvidia टेक्नोलॉजी. Nvidia DLSS 3 जो होता है ना वो गेम को, आपके गेम को और भी बेटर चलाने की कोशिश करता है. और Nvidia Reflex जो है ना वो गेम को एकदम स्मूदर और फास्टर बना देता है, जो कि यार तुम लोग देख ही सकते हो एकदम कितना मक्खन चल रहा है गेम. एंड यू नो व्हाट यार, Nvidia DLSS 3 को टर्न ऑन करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल इजी पीजी है. बस तुम लोग को सिंपली यार भाई सेटिंग्स में जाना है, ऐसे करके सेटिंग में गए आप एंड फिर डिस्प्ले में जाके आपको बस नीचे जाना है एंड या अपस्केल मेथड में कर देना है आपको DLSS एंड या फिर DLSS फ्रेम जनरेशन से आप यहाँ से ऑन ऑफ बहुत ही इजिली कर सकते हैं. एंड सो यार अब चलो यार हम लोग ऑन कर देते हैं DLSS को. एंड लो भाई यार कितना शार्प हो चुका है गेम यार, DLSS ऑन करते ही कितना ज्यादा गेम अब शार्प सा और कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब और भी ज्यादा ग्राफिक बढ़ जाते हैं इससे. सो चाहे तुम लोग फाइटिंग कर रहे हो, एक्सप्लोरिंग कर रहे हो, कोई भी मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो इस गेम में Horizon Forbidden West में, भाई Nvidia GeForce तुमको कवर्ड अप रखेगा हमेशा. ओके तो चलो अब Nvidia GeForce RTX 40 सीरीज GPUs की ग्राउंड ब्रेकिंग DLSS टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं. सो यार तुम लोग तैयार हो ना कुछ माइंड ब्लोइंग विजुअल्स और परफॉर्मेंस बूस्ट देखने के लिए. चलो फिर यार चीजों को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले DLSS 3 की बात करके. बेसिकली DLSS होता क्या है पहले हम लोग उस पर बात करते हैं. सो दोस्तों यार DLSS को तुम लोग पता है एक साइड किक जैसा समझो, जैसे यार बैटमैन का रॉबिन होता है ना वैसे
जैसे यार DLSS होता है, DLSS होता है एक साइड केक जो कि आपकी परफॉर्मेंस को, गेम की परफॉर्मेंस को एकदम बूस्ट कर देता है, विजुअल्स को एनहांस कर देता है बिना क्वालिटी की सैक्रिफाइस करे। ये बेसिकली जादुई छड़ी है आपके ग्राफिक्स और सेटिंग्स के लिए, मतलब कसम से कमाल है। यार चलो भाई यार अब गेम खेलते खेलते यार ये सब सेटिंग्स चेकआउट करते हैं। ऑलराइट तो गाइस अब हम लोग ने यार होराइजन फॉरबिडन वेस्ट में DLSS बंद कर दिया है, सो अभी DLSS एनेबल्ड नहीं है। सो अब तुम लोग ध्यान से देखना फ्रेम रेट को भी और इमेज क्वालिटी को भी। सो बॉयज एंड गर्ल्स अब तुम लोग देख सकते हो भाई इमेज क्वालिटी तो गेम की ठीक लग रही है, लेकिन तुम लोग को फ्रेम रेट्स लाइक ओकेजनल फ्रेम रेट ड्रॉप्स बहुत दिखेंगे, लाइक फ्रेम रेट जो है कंसिस्टेंट नहीं है और थोड़े कम भी आ रहे हैं। एंड इवन यार जो विजुअल क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी शार्प और हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यार अब चलो यार हम लोग DLSS ऑन करके देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ओके तो बॉयज एंड गर्ल्स यार अब मैंने DLSS ऑन कर दिया एंड बूम भाई अब बस तुम लोग डिफरेंस देखो यार, FPS को देखो, ग्राफिक क्वालिटी को देखो, लाइक लिटरल अब तुम लोग को डिफरेंस दिखाई देगा। सबसे पहले तुम लोग देखो भाई FPS जो है ना, गेम के FPS एकदम मेंटेन्ड है और इवन काफी ज्यादा आ रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। अब 120 130 FPS बहुत ही इजीली आ रहे हैं, पहले 60 70 80 से ऊपर नहीं जा रहे थे। एंड इवन विजुअल्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुए हैं, पहले से काफी ज्यादा शार्पर पिक्चर क्वालिटी आ रही है। सो या काफी डिफरेंस आता है। ओके तो अब चलो यार बेंचमार्क कंपैरिजन को कुछ थोड़ा और पास से देखते हैं DLSS ऑन एंड ऑफ के बीच में। सो देखो लेफ्ट में DLSS ऑफ है एंड राइट में DLSS ऑन है। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो DLSS ऑन के साथ जो है एकदम तुम लोग को स्मूदर गेम प्ले मिलता है, शार्पर इमेजेस मिलती है, ऑल थैंक्स टू द पावर ऑफ AI। ये बेसिकली कुछ इस तरीके की है जिसमें आप अपना ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर रहे हो बिना अपग्रेड करे। एंड अब थोड़ा विजुअल इंप्रूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। सो DLSS जो है ना वो एकदम मैजिक की तरह होता है जो कि AI को यूज करता है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इमेजेस को एंड उनको क्लियरर बनाता है, मोर डिटेल बनाता है। ये कुछ इस तरीके है जैसे इसमें डिजिटल आर्टिस्ट जो है वो हर पिक्सल को ऑप्टिमाइज कर रहा है रियल टाइम में, जैसा कि तुम लोग ने देखा ही था पहले DLSS के साथ। भाई तुम लोग को ना ही केवल स्मूदर परफॉर्मेंस मिलती है बट विजुअल्स भी एनहांस हो जाते हैं विद क्लियरर एंड मोर डिटेल्ड इमेजेस। ओके तो गाइस यार अब हम लोग बात कर लेते हैं TAA and DLAA के बारे में। TAA and DLAA बेसिकली एंटी एनालाइजिंग मेथड होते हैं। एंटी एनालाइजिंग होती क्या है मैं बताता हूँ। अगर हम लोग बताएं एंटी एनालाइजिंग को बंद कर देते हैं ना तो देखना तुम लोग जो टेक्सचर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। लाइक ध्यान से देखो भाई टेक्सचर्स कितने लो क्वालिटी से हो जाते हैं। सो बेसिकली यार ये DLAA और TAA दोनों ही बताएं एंटी एनालाइजिंग मेथड है जिसमें ये गेम के टेक्सचर्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हैं। सो एंटी एनालाइजिंग तो अपन समझ चुके हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं DLAA और TAA के बीच में जो कि बेसिकली दो टेक्निक्स होती हैं। सो बेसिकली यार ये जो TAA होता है ना, TAA एंटी एनालाइजिंग जो है उसमें यार क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स तो आपको मिलते हैं, लाइक टेक्सचर्स तो बेटर हो जाते हैं, लेकिन उस लेवल की पिक्चर क्वालिटी नहीं आती है जो कि यार NVIDIA टेक्नोलॉजी की DLAA में होता है। लाइक अगर तुम लोग ध्यान से देखो यार ये TAA के टेक्सचर्स आ रहे हैं जितने भी हम लोग फूल पत्ती देख रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल TAA बेसिक लेवल की चीज है। एंड जब हम लोग यार इसे TAA से चेंज करके DLAA में कन्वर्ट करते हैं तो भाई जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स होते हैं ना वो बहुत बेटर होते हैं, लाइक क्वालिटी और ज्यादा बेटर हो जाती है। सो TAA कंपैरिजन में DLAA आपको बहुत ही बेटर गेम में टेक्सचर देता है जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। सो एंड यू हैव इट यार DLSS जो है वो लिटरली गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जो कि आपको GeForce RTX 40 series GPUs में मिलती है। आप चाहे कोई हार्ड कोर गेमर हो चाहे कॉन्टेंट क्रिएटर हो, ये सब टेक्नोलॉजी आपके एक्सपीरियंस को एकदम न्यू हाइट्स पे ले जाती है। एंड अगर तुम लोग एक्साइटेड हो यार मेरे तरह अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने के लिए, देन तुम लोग आज ही GeForce RTX 40 series ले सकते हो। एंड गेस व्हाट यार, मेरे पास यार तुम लोग के लिए एक बहुत ही एक्सक्लूसिव डील्स और डिस्काउंट्स भी हैं जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही हैं vishalperiferals.com में। इसे मिस मत करना, अभी कभी जाओ और अपने गेमिंग सेटअप को यार लेवल अप कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाएगी, मेक श्योर जाना एंड परचेज करना। एंड यार बस यार मजा यार थोड़ा बहुत होराइजन फॉरबिडन वेस्ट खेलने में, आई होप तुम सबको भी आया हो। एंड यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज पेरी गोस वाइल्ड, गुड बाय।